थोडीशी घ्या लागते मोठी दिवाण पाहिजे. अलीला जात असलेल्या स्कूल बसचा भीषण अपघात झाला. हिंगणा परिसरातील सरस्वती माध्यमिक विद्यालयाची शाळेची बस सहलीला जात असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. बस रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या खड्ड्यात खाली कोसळली. या विचित्र अपघातात एक विद्यार्थी ठार झाला तर 8 ते 10 विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले. हा अपघात मंगळवारी सकाळी 10 वाजताच्या सुमारास झाला. जखमी विद्यार्थ्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. लोकांनी अपघातग्रस्त बसमधील विद्यार्थ्यांना मदत केली व त्यांना रुग्णालयात पाठवण्यात आले. या अपघाताची माहिती मिळताच हिंगण्याचे ठाणेदार जितेंद्र बोबडे हे ताफ्यासह घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी जखमी विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात पोहोचविण्याची व्यवस्था केली. अपघात होताच रस्त्यांनी जाणाऱ्यांची गर्दी केली, त्यामुळे रस्त्यावर वाहनाची गर्दी झाली होती, वाहतूक विस्कळीत झाली होती. आज सवेरे 9:30 बजे की घटना है जिसमें सरस्वती विद्यालय नागपुर से कुछ स्कूल बसें गई थी, जिसमें से एक स्कूल बस अपना देवरी पिंडरी गांव के पास में टर्निंग पे टर्न करते समय वो पलट गई, जिसमें 52 स्टूडेंट्स उस बस में थे. एक टीचर था, एक केयर टेकर था और एक स्पोर्ट्स टीचर था. इसमें जो बस जा रही थी वो एक पिकनिक स्पॉट की तरफ जा रही थी जो कि सेलू तहसील वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है. इसमें जो पलटने के बाद वहाँ पर हमारे पुलिस की टीम पहुँची. टीम पहुँचने के बाद स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया और अलग अलग व्हीकल्स में एम्स हॉस्पिटल में लाया गया है, जिसके अंतर्गत अभी 44 स्टूडेंट्स एम्स हॉस्पिटल में हैं, 7 स्टूडेंट निम्स हॉस्पिटल में है और 1 प्लेटिना हॉस्पिटल में एडमिट है. इसके अंतर्गत अभी 1 स्टूडेंट की जो कि 15 साल की है उसकी डेथ हुई है और बाकी सभी स्टूडेंट आउट ऑफ डेंजर हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक हेल्प डेस्क यहाँ पर बनाया गया है एक हॉस्पिटल में, जिसमें पेरेंट्स को जानकारी दी जा रही है. जो स्टूडेंट जिनको ज़्यादा इंजरी नहीं है उनको पेरेंट्स से मिलने दिया जा रहा है. जिनके अभी ट्रीटमेंट चालू है उनके पेरेंट्स को हम जानकारी दे रहे हैं कि उनके ट्रीटमेंट चालू है. लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रश्न नहीं है. इसमें जिन्होंने ये क्या कहते हैं ड्राइवर था उसको अभी वो भी इंजर्ड है, उस पर कार्रवाई की जाएगी. FIR लिखने की प्रक्रिया भी चल रही है.